बैठिए। मैंने कहा ना, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। क्या माया भी आपको ऐसे छोड़ के चली जाती? बैठिए। जख्म पे हवा भी लगी ना, तब भी जलन होती है। हम तो फिर भी दवाई लगा रहे, थोड़ी सी जलन होगी, एक मिनट रुकिए। तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इनके मरने की दुआ मांगोगे तुम? तुम्हें लगता है मैं इन्हें कुछ होने दूंगा? जब तक देवराज सिंह राठौड़ जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं होगा। ये मेरी माया है और मुझे मेरी माया से कोई दूर नहीं कर सकता। हम जैसे हैं, क्या वो हमको वैसे पसंद नहीं कर सकते? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सवाल मत पूछा करो जिसका जवाब तुम्हें पहले से पता हो। तुम माया की जगह कभी नहीं ले सकती। ना देवराज सर के दिल में और ना ही उनकी जिंदगी में। हाँ, एक चीज जरूर कर सकती हूँ, इस महल से उनकी जिंदगी से बहुत दूर जा सकती हूँ। बस उसके लिए फिर कैसे भी आज इंटरव्यू में पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? ये यहां जब तक है हम आपस में मीटिंग के लिए निकल रहा हूं, टाइम पर पहुंच जाऊं। ओके, थैंक यू प्यारी जी। देवराज सर भी बाहर जा रहे और हमारे इंटरव्यू में थोड़ा टाइम भी है, हमें बस टाइम से पहुंचना होगा। सब मेरी उस स्टूपिड बीवी की वजह से हुआ है।
गर्म पानी और दाल रख दिया ना, अब निकलो यहाँ से। लेकिन मम्मी जी मैं बस अब और कुछ मत बोलना, जितना बोलना था बोल चुकी हो तुम। रति सावित्री भाभी, आपने तो अपने नाम का ना पूरा अपोजिट किया। सावित्री ने यमराज से अपने हस्बैंड को बचाया था आई गेस, राइट? आपने तो अपने हस्बैंड को ही पिटवा दिया। मुझे बस डर लग रहा था ना कि मेरी बात ध्यान से सुनो रति, अगर तुम अपने पति की परवाह करती हो ना तो अपनी जुबान बंद रखना, समझ गई? ना तुम हमसे कोई सवाल करोगी और ना तुम्हें झूठे जवाब सुनने पड़ेंगे। तुमने जो सुना, जो देखा और जो समझा सब भूल जाओ, वरना अनजान तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अब खड़ी क्या, तुम जा सकते हो। जान को खतरा है। हम चाहते हैं कि आप अपने देव भाई की परछाई बनकर रहे, उन पे नजर रखें, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। देव भाई, मैं भी चलता हूं आपके साथ ऑफिस। क्यों अमन, ऐसे अचानक क्यों? अचानक क्या इसमें, मतलब अगर लक्ष्मण को राम से कुछ सीखना है तो वनवास काटने साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। वैसे अगर मुझे ऑफिस का काम सीखना है तो आपके साथ ऑफिस जाना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं। वो संस्कृत में भी कहते हैं ना, शुभे सा शीघ्रम। हम ना कहते थे जयदी, आरव बड़ा हो गया है और समझदार भी। वाकई समझदार तो है ही आरव, आखिर बेटा किसका है। जयदी आपने हमारी तारीफ की, पता है जयदी जब आप हमारी तारीफ करती है ना तो हमें ऐसा फील होता है जैसे एकदम परफेक्ट। हम मेल में नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर जया माँ और रति भाभी को हमारा ख्याल आया तो। सुजाता जी, राजकुमारी जी। सुजाता, हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हम अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि हमारे कमरे में कोई भी हमें डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक है? कोई भी नहीं। हाँ जी। हमारा मार्क है, इस मार्क से मुझे पता चल जाएगा कि कैमरे की नजर कहां कहां गई है। गुलाब का पेड़ मतलब हमारा मार्क, यहां कैमरे की नजर हम पे नहीं है। लड़की ऐसे छुपकर कहाँ जा रही है? माम, 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 वाव माम, हम तो इसे गिराना चाहते थे, लेकिन ये तो खुद खड्डा खोद के कह रही है, प्लीज मुझे धक्का दे दो। माम, इस बात का तमाशा करने में ना बड़ा मजा आएगा। Come on, let's have some fun. नहीं नैना, अभी नहीं। पर क्यों? क्योंकि लोहे पे हथौड़ा तब मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, और दुश्मन पे वार तब किया जाता है
जब वक्त भी सही हो और मौका भी। हमें सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा। राजकुमारी जी, ये मेरी बहन के कपड़े हैं और ये शायद आपको आ जाएंगे, लेकिन प्लीज आप किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। परेशान मत हो, किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू। हाँ, फ्लोर पे ना, 16th फ्लोर। कौर देवराज जी, आप यहां? एक मीटिंग के लिए आया। वैसे मैं भी कैसा स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ सर, आपके ही बिल्डिंग में आप ही से पूछ रहा हूँ। आप यहाँ? क्या हुआ आरफ? आपका पैर मेरे पैर पे आ गया भैया। मेरा पैर तुम्हारे पैर पे? No, it wasn't mine. आपका नहीं था? ये तो इनका होगा, कुछ नहीं आता रहता ऐसा लिफ्ट में होता है। By the way, तुमने अचानक से बिजनेस ज्वाइन करने का कैसे सोचा? तुम पे तो कोई प्रेशर नहीं है, पूरी लाइफ पड़ी है, आराम से बिजनेस ज्वाइन कर लेना, एंजॉय करो। बात तो सही कह रहे हो आप। एक्चुअली मैं आपके साथ रह के सीखना चाहता था, आपके जैसा बनना चाहता हूँ और राठौर खानदान का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। आपसे अच्छा मेंटोर मिलेगा भी नहीं मुझे। क्या हुआ? दांत पे पैर गए, दांत में कुछ फंस गया, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तुम ऐसे अचानक से अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? समथिंग रॉन्ग? रॉन्ग तो है भैया, पर ये दर्द रॉन्ग है, तो ये अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। फ्लोर क्यों नहीं आ रहा यार? ये फ्लोर ही नहीं आ रहा हमारा, वैसे जल्दी आ जाता था। आ जाएगा। चलो भैया फ्लोर आ गया। आरफ, ये हमारा फ्लोर नहीं है। भैया मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट फ्लोर पे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सफोकेशन हो रही है मेरे को और स्टेयर चढ़ने की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तुम सच में बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं भैया, आई एम परफेक्ट भैया। लग नहीं रहे हो। अपना फ्लोर आ गया भैया, चलो प्लीज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? प्यारे जी, सो आपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी पूरी नहीं करी, राइट? जी सर, हमारे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री तो नहीं है,
मगर एक दूसरी डिग्री जरूर है। काफी इनविजिबल टाइप की डिग्री है, नजर नहीं आ रही। सर हमने जिंदगी की स्कूल में सुख दुख, धूप छांव, उतार चढ़ाव ये सब की क्लासेस अटेंड करके एक्सपीरियंस की डिग्री हासिल की है। देखिए मिस कृष्णा चतुर्वेदी, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, बट आई हैव टू हायर समवन जो इस जॉब के लिए पूरी तरह काबिल हो। सर इंसान की काबिलियत एक कागज के टुकड़े से नहीं पता चलती। वो तीसरे साल हमें कुछ निजी कारणों की वजह से ड्रॉप आउट करना पड़ा था, लेकिन पहले दो साल में हमने टॉप किया था। सर ड्रॉप आउट करते ही हमें फाइव स्टार होटल में जॉब मिल गई थी। डिग्री लेने के बाद भी तुम वही करते ना सर। सर लोग यहाँ पे आएंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन हम आएंगे हमारा 100% देने के लिए। लोगों के लिए ये एक महज सीढ़ी होगी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारे लिए ये हमारी मंजिल है। हम इसके आगे कुछ और चाहते ही नहीं है सर। अच्छा तो आप असिस्टेंट एडमिन की पोस्ट संभालना पसंद करेंगी? जी सर, बस हमें एक ऐसी जॉब चाहिए जो किसी दूसरे शहर में हो, यहाँ से बहुत दूर। इवन बेटर, ये पोजीशन तो चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ हमारा एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, आपको वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मंजूर है। तो आप कब से ज्वाइन करेंगी? अगले एक महीने के लिए उनके जीवन में संकट का चरण शुरू होने वाला है। कृष्णा बिटिया का साथ देवराज जी के लिए समझिए जीवन दान है। महीना पूरा होने में अभी भी 10 दिन बाकी है। अगले महीने से सर? अगले महीने में तो अभी 2 हफ्ते पड़े हैं, काफी लेट हो जाएगा। अगले महीने ज्वाइन करने की कोई खास वजह? सर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे हम मुंह नहीं फेर सकते। आप हमें बस 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम अपने सारे काम खत्म कर लेंगे। ओके लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। लेकिन जॉब काफी अच्छी है, आप अपनी फैमिली को भी वहां लेकर जा सकती हैं। एंड यू आर मैरिड राइट? तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ जा सकते हैं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हस्बैंड से ही तो दूर जाना है। स्केच की फोटो, सॉरी सर गलती से, प्लीज हमारा जॉब ऑफर मत छीनिएगा। सॉरी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमारे पास आएंगे, एक सेकंड। इट्स ओके, रिलैक्स, आई विल गो टू द वॉशरूम, रिलैक्स। सॉरी सर। कृष्णा बिल्डिंग किसकी है? राठौड़ की, और राठौड़ को दरारें हरगिज बर्दाश्त नहीं, ना चाहे वो रिश्ते में हो ना फिर दीवारों पे। ठीक करवाइए इसे। लगता है 1 वीक क्लास है। क्या रे थे? देवरा सर से पहले घर पहुंचना होगा। एक तो यहाँ ऑटो नहीं मिल रहा, बस भी घंटों लगाती है आने में।
मौसम भी खराब हो गया, आज तो बहुत मुश्किल होने वाली है। खिंच गए फोटो, पकड़े नहीं जा सकते, क्या करें। मौसम काफी खराब है, इन लोगों के घर जाने का क्या इंतजाम? सर काफी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है। एक काम कीजिए, जो हमारी ऑफिस की गाड़ी है उसे इनके घर जाने का इंतजाम करवाइए। यस सर। सुनिए, आप सब लोगों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया है, डोंट वरी, ड्राइवर साहब सबको आपके घर ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी। मैं गाड़ी भेजता हूँ।